ख्रिस्त में मेरे सभी भाई बहनों एवं शांति के राजा चैनल के सभी श्रोताओं को जय यीशु। आइए आज हम विशेष मनोरथों के लिए बड़े भक्ति और विश्वास के साथ इस दिव्य करुणा माला विनती में भाग ले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। ही जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्म सार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, वह कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलेसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, आमीन। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस पहले भेद में हम हमारे परिवार व परिवार के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, ये बच्चे आपने ही हमें दिए हैं, हम आपको इन बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। आपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। हे प्रभु यीशु, आप हमारे बच्चों पर अपना पावन हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ताकि वे आपके समान अपने माता पिता के अधीन रहकर बुद्धि और शरीर में विकसित होते जाएं और ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। हमारे बच्चों को हर प्रकार की बीमारी, बुरी संगति, बुरी आदतों से आप बचाइए तथा उन्हें सदा स्वर्गदूतों का दिव्य संरक्षण प्रदान कीजिए। उन्हें ये कृपा दीजिए कि बच्चे ईश्वरीय ज्ञान व भक्ति में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर,
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हम आपको हमारे जीवन में पाए हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस दूसरे भेद में प्यारे प्रभु, हम सभी गर्भस्थ बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। शून्य से सब कुछ को अस्तित्व में लाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हमें जानने, हमें प्यार करने, पवित्र करने वाले सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम सभी गर्भस्थ बच्चों को आपके पावन हृदय में समर्पित करते हैं। जैसे योहन अपनी माँ के गर्भ में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, वैसे ही इन गर्भस्थ बच्चों को आप पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए। विशेषकर इन सभी गर्भस्थ बच्चों को शैतानी हरकतों से, रोग कमजोरियों से और पूर्वजों से चली आने वाली सब निरर्थक श्रापों से इनकी रक्षा कीजिए। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, ये स्वस्थ रूप से इस संसार में जन्म लेने पाएं। हे प्रभु यीशु, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग गर्भस्थ बच्चों की निर्दयतापूर्ण हत्या करवाते हैं, हे प्रभु, ऐसे लोगों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे तमाम माता पिता, डॉक्टर्स, नर्स का मन परिवर्तन यीशु आप कीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी गर्भस्थ बच्चों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम इस तीसरे भेद में बच्चों के विवाह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गिक पिता, तूने नबी यिर्मयाह के द्वारा कहा, तुम लोग घर बनाओ और सब जाओ, विवाह कर, अपने पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ और अपनी पुत्रियों के लिए वर खोजो, जिससे उनके भी संतान हो। हे सृष्टिकर्ता, हम हमारे बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों का विवाह समय पर कराना हमारा कर्तव्य है। विवाह स्वर्ग में निश्चित किया जाता है, इसलिए हम पर और हमारे बच्चों पर प्रभु यीशु आप दया कीजिए, ताकि हम उनके लिए सुयोग्य जीवन साथी खोज सके। बच्चों के विवाह में जो भी बाधा है, यीशु के नाम से वह दूर होने पाए, तथा विवाह है तो जो भी जरूरत है, हे प्रभु, उन जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा कीजिए। इस मनोरथ के लिए प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं।
यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सारे विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी विवाह करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम इस चौथे भेद में सभी स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और उन युवक युवतियों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं जो किसी भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, जितने भी स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे और किसी भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, नवयुवक युवतियां हैं, प्रभु उनके एग्ज़ाम के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए जो भी पढ़ाई करी है प्रभु, उस पढ़ाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आने वाले उनके जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितनी भी पढ़ाई और तैयारी वे लोग कर रहे हैं, उनके लिए आपने उन्हें जो भी बुद्धि व पवित्र ज्ञान दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, इन बच्चों की सारी परीक्षाओं, परीक्षा केंद्र, प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, उनके बैठने के स्थान, लिखने का कलम, परीक्षा का दिन व समय आपके पावनतम हृदय में हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, परीक्षा के प्रति इनके अंदर जो भी भय, डर, चिंता, घबराहट है, यीशु आप उसे दूर कीजिए। हे प्रभु यीशु, सब कुछ याद दिलाने वाली पवित्र आत्मा इन पर भेज दीजिए। हे पवित्र आत्मा, इन बच्चों की आप एग्ज़ाम में सहायता कीजिए और इन बच्चों पर आप दया कीजिए। जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, इन सारे बच्चों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी परीक्षा देने वाले बच्चों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम में विश्वास करते हैं। इस पांचवें भेद में प्रभु यीशु, हम उन सभी निसंतान हजारों दंपतियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से संतान चाहते हैं। पिता, जैसे आपने हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम को वृद्धावस्था में संतान दिया, इब्राहिम के विश्वास से 90 साल की बांझ सारा ने इसहाक को जन्म दिया। एलकाना की बांझ पत्नी अन्ना ने आंसू बहाकर मंदिर में जब आपसे प्रार्थना करी तो आपने उन्हें 5 बच्चों की माता बनाया। आपकी कृपा से मनोआहा की बांझ पत्नी को शेमसेन नामक शूर वीर पुत्र आपने प्रदान किया। आपने मरियम की बहन एलिजाबेथ की सूनी कोक नबी योहन देकर आपने भरी। इन सभी पवित्र वचनों को हम स्मरण करते हैं और प्रभु यीशु, हम उन सभी निसंतान दंपतियों को आपको समर्पित करते हैं जिनके कोई संतान नहीं है। प्रभु, आप उन सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। गर्भधारण के लिए जो भी बाधाएं, पाप, रोग, कमजोरियां, शैतानी हरकतें हैं, आज प्रभु यीशु आपके नाम से इनके जीवन में बांझपन के सारे बंधन टूटने पाए और प्यारे प्रभु, इनके कोख के जितने भी बंधन हैं आज यीशु आपके नाम से खुल जाए। हम ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु आपके पवित्र नाम से करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वरी दया की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर। प्रभु दया कर। ख्रीस्त दया कर। ख्रीस्त दया कर। प्रभु दया कर। प्रभु दया कर। ख्रीस्त हमारी सुन। ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर संसार के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। ईश्वर की दया जो सृष्टि करता का सर्वश्रेष्ठ गुण है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो मुक्तिदाता की महानतम पूर्णता है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पवित्र आत्मा का अगाध प्रेम है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पवित्रतम तत्व का आग्रह रहस्य है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो सर्वोच्च की महानतम शक्ति की अभिव्यक्ति है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो स्वर्गीय शक्तियों के सृष्टि क्रम में प्रकट हुई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें शून्यता से अस्तित्व में लाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें अमर जीवन प्रदान करती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमारे पापों के दंड से हमें बचाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पापों के गर्त से हमें उठाती है, हम तुझ
तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो शरीरधारी शब्द के द्वारा हमें पापों के दंड से मुक्त करती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो ख्रिस्त के घावों से प्रवाहित होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो यीशु के पवित्रतम हृदय से उमड़ती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो परम धन्य कुमारी मरियम को दया की माता के रूप में हमें प्रदान करती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो दिव्य रहस्यों में प्रकट की गई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पावन संस्कारों की स्थापना में निहित है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो विश्वव्यापी कलीसिया की स्थापना में प्रकट हुई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो बपतिस्मा एवं मेल मिलाप के संस्कारों में मानव जाति को प्रदान की गई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें सच्चा विश्वास प्रदान करने में प्रकट की गई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पापियों के मन परिवर्तन में प्रकट होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो धर्मियों के पवित्रकरण में प्रकट होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो संतों की पवित्रता में पूर्णता पाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो रोगियों और दुखियों के लिए स्वास्थ्य प्रदजल स्रोत है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो संतृप्त हृदयों की सांत्वना है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो निराश हृदयों के लिए आशा का स्रोत है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो सर्वत्र सभी लोगों का साथ देती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें कृपाओं का पूर्वाभास देती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो मरणासनों की शांति है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए विश्रांति एवं मुक्ति है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो मुक्ति प्राप्त आत्माओं का दिव्य आनंद है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो सारे संतों का मुकुट है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो चमत्कारों का अक्षय स्रोत है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। हे ईश्वर के मेमने, तू प्रतिदिन यूक्रेस्त में दया पूर्वक स्वयं को हमारे लिए अर्पित करता है, दया पूर्वक हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तूने क्रूस पर मरते हुए संसार की मुक्ति के लिए अपनी असीम दया प्रकट की, हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू अपनी अनंत दया से संसार के पापों को हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की करुणा में दया उसके सभी कार्यों पर छाई रहती है, मैं सदा सर्वदा उसका गुणगान करता रहूंगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया असीम और तेरी दया का स्रोत अक्षय है, तो दया पूर्वक हम पर दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम उन कठिन परीक्षाओं के बीच भी कभी निराशा में न पड़े, बल्कि सदैव आशा पूर्वक स्वयं को तेरी पवित्र इच्छा के साथ एक कर सके, जो कि दया स्वरूप है। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो दया में राजा है, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग हम पर दया करते हैं। आमीन। करुणा के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और परिवार के वस्तुओं का अभिषेक करें। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन।